हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता। फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार नाश्ता बना के खा लिया ना, तो बार बार यही नाश्ता बनाने का और खाने का मन करेगा। और मैंने सिर्फ इसमें दो चीज़ों का यूज किया है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके घर में काफ़ी इजीली आपको मिल जाएंगी, झटपट से नाश्ता बन जाता है। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए रखेंगे हम सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऑयल को मैंने अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर सरसों का ऑयल ज़्यादातर यूज होता है। आपके यहाँ जो भी ऑयल होता हो वो आप ले लीजिए। तो आधे चम्मच मैंने राई के दाने डाल दिए हैं, इनको हम थोड़ा सा तड़का लेंगे इसमें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेन चीज़ इसमें सिर्फ दो ही हैं, चावल का आटा और आलू। बाकी की सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आपको टेस्ट इसका पसंद है, आपको ये पसंद है, तो सारी चीज़ें डालें, वरना आप इनको सिंपल भी बना सकते हैं सिर्फ नमक डाल के। तो मैंने यहाँ पर साथ ही साथ एक हरी मिर्च को भी डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सॉटे करेंगे, हल्का सा ही कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए, इसको मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया है। बट अब हम इस पर क्या करेंगे, अब हम इस पर डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा कम चीज़ों का यूज करूँगी, तो मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें 1.5 कप पानी। आप कोई भी कटोरी ग्लास सेट कर लीजिए, उसी से हमें सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। पानी को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और बढ़िया से इसमें एक बॉईल आने देंगे। तो साथ ही साथ हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो आधी चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिल्ली फ्लेक्स। आप सिंपल लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। 1/3 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसाला। इससे बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको सिंपल नमक डाल के भी बनाएंगे ना, तब भी टमाटो सॉस चाय के साथ इतना टेस्टी लगता है कि आप इसको बना के देखना। ये प्याज वगैरह सारे मसाले बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आप चाहे तो अकेले नमक मिर्च डाल के भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ये 1 कप चावल का आटा, यानी कि इस कप से मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है, तो उसी से मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा ले लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप ये नाश्ता सूजी से भी बना सकते हैं। दो ऑप्शन है, कुछ भी ले लीजिएगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। एक साथ पूरा आटा डालने से इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से हम इसको धीमे धीमे आँच पर ही अच्छे से पकाएंगे। गैस का जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर दें, और स्लो फ्लेम पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने जैसे इसको पानी में मिक्स किया है, चावल ने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि जो डो है काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा है, बट फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं है। स्टार्टिंग में ये इसी तरह का रहता है, बट जब हम इसमें आलू डालेंगे ना, तो आलुओं के मॉइस्चर की वजह से एकदम बढ़िया डो इसका बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। आप एक बार इस तरह से बना के देखना, बिल्कुल इसी तरह के मेजरमेंट से आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपका नाश्ता ख़राब बनता है तो मुझे कमेंट जरूर करना आप, बट मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा पानी ना डाल लीजिएगा, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा, तो बाद में दिक्कत होगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन चुका है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कवर करके रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में एकदम जो हमारा चावल काटा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और तो 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर इसको रखे हुए हो गए हैं 5 मिनट। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चावल का जो आटा है काफ़ी अच्छे से फूल गया है और एकदम बढ़िया से ये चिकना जैसा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये 2 बड़े साइज के आलू। आलुओं को मैंने बॉईल करके अच्छे से बारीक मैश कर लिया है। बिल्कुल बारीक मैश करके ही आलुओं को हमें इसमें यूज करना है। तो आलुओं को मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। बट अब इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल ही हम इसको बनाएंगे। अब हम ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो ये लीजिए, अच्छे से देखिए आलू को इसमें मिक्स करते जाएं। इसमें अगर आपको कोई भी मोटा टुकड़ा दिख रहा है तो उसको आप बिल्कुल स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लें, यानी कि बिल्कुल अच्छे से मैश कर लें उसको। तो ये लीजिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे मिक्सर को हम एक प्लेट पर निकाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा एकदम डो की तरह बन के तैयार हो गया है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा ये बिखरा जैसा दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हल्का सा गुनगुना है, तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से हमें इसको मथना है। अब हम इसको जब तक मथेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह ना बन जाए।
जब ही जैसे जैसे आप इसको मतते जाएंगे एकदम बढ़िया से सॉफ्ट चिकना जैसा डो इसका बनता जाएगा। तो इसी तरह से लगभग इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार मत लेंगे। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से एकदम गूथ लिया है, डो की तरह बिल्कुल सॉफ्ट चिकना जैसा डो इसका बनता जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें इसका डो जैसा इसका बना लेना है। अब हम नाश्ता बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इस तरह की एक प्लेट। आप प्लेट की जगह कोई ट्रे, थाली, प्लेट कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें हम थोड़ा सा इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे मिक्सर को हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको पीस कट पीस यानी कि इसके हम बर्फी जैसे पीस बनाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इसके सिलेंडर आकार में या टिक्की आकार में या आप इसको गोल आकार में बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं, ये प्रोसेस आप ना करें। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, सॉरी इसको फैला दिया है। इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे साइड से, यानी कि बिल्कुल अच्छे से इसकी शेप दे देंगे, जिससे कि हमें इसको कटिंग करने में कोई भी परेशानी ना होगी। आप इसको मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी आपको इसकी थिकनेस चाहिए। तो इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे ये ठंडा हो जाता है अपने आप से सेट हो जाता है। ना हमें इसको फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें इसको पंखे के नीचे, अपने आप से ठंडा हो जाएगा, अपने आप से सेट भी हो जाता है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मैं पीस कट कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद के अनुसार इसके पीस छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप कट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली इसके पीस कट हो जाते हैं। अब मैं आपको एक पीस को कट निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया शेप आई है, बिल्कुल बर्फी के जैसे लग रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल मिठाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसके पीस बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे पीस को निकाल के रख लिया है एक प्लेट में। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं पीस देखने में, ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से हम इसको खा लें। तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा पका हुआ है, आलू भी हमें पकाने नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो बॉयल्ड हैं, तो आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं। और इस तरह से आप इसको स्टोर करके 3 से 4 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी आपको मन हो तो आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। तो अब मैंने आप लेंगे एक इस तरह का बाउल, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर की जगह आप इसमें मैदा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। इससे क्या होता है कि नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी बनता है, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पनेस आ जाती है उसके बाहर। आप सिंपल तरीके से भी इसको फ्राई कर सकते हैं, बट इस तरह से आप बना के देखना, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनेगा। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, मैंने आपको 2 ऑप्शन बना दिए हैं। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा ले लीजिए, और कुछ भी नहीं है तो सिंपल ही बना लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम रखेंगे गैस ऑन करके एक पैन, उसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच ऑयल का यूज किया है। मैं इसमें बहुत ही कम तेल का यूज कर रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल सैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तब भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से अच्छी हीट आ रही है, यानी कि ऑयल को हमें एकदम हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, जैसे कि धुआं निकलने तक गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का सा जैसे ही गर्म होने लगे तो आप समझ जाएं कि अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम उसको इस तरह से लपेटते हुए हम इसमें डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर में अच्छे से लपेट लपेट के हम इसको डाल देंगे, इसकी एक हल्की सी कोटिंग हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि कॉर्नफ्लोर की वजह से ना नाश्ता बहुत क्रिस्पी बनता है। तो इसी तरह से पहले हम इनको सेकने देते हैं, जब इस साइड से इनका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो ये लीजिए इनका जो कलर है हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है, अब हम इनको पलट देते हैं। तो नीचे से ये हल्के हल्के से गोल्डन हो गए हैं, इनको पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ना ये टूटते फटते हैं, बस आपको सावधानी बरतनी है इनको पलटने में। तो यहाँ पर इनको सेकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको फिर से पलटेंगे। तो ये देखिए नीचे से कितना एकदम बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है। फ्रेंड्स, आप एक उस नाश्ते को बना के देखना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इस नाश्ते को सुबह ब्रेकफास्ट में ही बनाएं, आप इसको लंच में बना सकते हैं, आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है। तो आप इसको कभी भी बना के खा लीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया क्रिस्पनेस आई है इसमें, एकदम क्रिस्पी गोल्डन लग रहे हैं। तो ये अच्छे से सिक चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर। ये देखिए जो मैंने ऑयल लिया था, ज़्यादा ऑयल इसमें अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बहुत ही कम ऑयल इसमें अब्जॉर्ब हुआ है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें। अब यहाँ पर जो बचा हुआ ऑयल है उसमें भी हम इस तरह से लपेट लपेट कर अपने नाश्ते को डालते जाएंगे। तो इस तरह से आप एक बार में जितने आ जाएं आप उतने डालते जाएं। तो इसी तरह से हम इनको भी सेक लेंगे दोनों साइड से एकदम बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी होने तक। तो ये अच्छे से नीचे सूख चुके हैं, तो अब हम इनको भी पलट देते हैं। तो ये देखिए नीचे से कितना बढ़िया इनका कलर आ चुका है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो अब हम इनको पलट देते हैं। तो देखिए दोनों साइड से काफ़ी बढ़िया सिक चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है,
आप एक और इस तरह से नाश्ते को खा के देखना, मज़ा ही आ जाएगा। तो आप इस नाश्ते को टमेटो सॉस के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ, दूध के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत बहुत यम्मी लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने से आप एक और इस नाश्ते को जरूर ट्राई करके देखना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी ना, तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।